माई चेक, हेलो हेलो हेलो, और यार ये सो यप गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किस देरी के अब। और जो मेन कारण जो इस व्लॉग को बनाने का, वो बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था, बिकॉज मेरे को एक वॉलेट चाहिए था। वॉलेट क्यों चाहिए था, उसका कहानी पता है अपने अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं, ये सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरे को एक वॉलेट चाहिए। ठीक है, तो ये बात है करीब 2 दिन पहले की, जब मैं कॉलेज से घर की तरफ इजीली आ रहा था और मैंने जस्ट ऑटो वाले से रोकने को कहा, और मैं जब उतरा तो मैंने फिर अपने जेब चेक किए पैसे देने के लिए उसे। जस्ट सपोज़ कि उस समय क्या हुआ कि यार मेरे जेब में पैसे नहीं थे, और टेंशन मुझे इस बात की नहीं थी कि मैं उसे पैसे नहीं दे पाऊँगा, टेंशन मुझे इस बात की थी कि मेरे पैसे चले कहाँ गए। तो मैंने भाई जल्दबाजी में मैंने क्या किया, अपने बैग से 100 रुपये का नोट निकाला और मैंने उसे दिया। और जस्ट सपोज़ कि उसने मुझे क्या किया, उसने कहा कि भाई खुले दे दो, खुले नहीं है मुझ पर। तो मैंने फिर अपना बैग चेक किया, लगभग मुझे 2 मिनट लगे उस बैग को चेक करने में, और मुझे हाल ही में जाके 10 रुपये का एक चिल्लर का सिक्का मिला। और जब मैंने उसे दिया, इस बीच भैया मैंने सोचा कि काश मेरे पास एक वॉलेट होता तो मैं तुरंत अपने वॉलेट में 10 का नोट निकालता और सीधा उसके मुंह पे दे मारता, मतलब मेरा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता। तो यही रीज़न था कि मैं अपने एक वॉलेट लेना चाहता हूँ और मैं उसे लेने भी जा रहा हूँ। तो चलते हैं फिर। सो प्लान वॉज चेंज्ड, बिकॉज अब हम वॉलेट के पास नहीं बल्कि वॉलेट आज हमारे पास आएगा। सो मैंने ऑर्डर दे दिया है फ्लिपकार्ट पे, और 2 दिन हो चुके हैं यानी कि उसका आज ऑर्डर आने वाला है, तो वॉलेट भी आज हमारे पास आ जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा और क्या। सो फाइनली वी गॉट इट, माय ब्रांड न्यू वॉलेट। सो फाइनली वी गॉट इट, तो ये नया वॉलेट है हमारा, देखते हैं कब तक चलता है, बट जब भी चलेगा इसके अंदर पैसे तो रहेंगे यार, क्योंकि बैग में पैसे रहते हैं, रीज़न तो मैं पता चल ही चुका है। और अब आप में से कुछ लोग मुझसे कह रहे हो कि भाई तू वॉलेट के ऊपर वीडियो बना रहा है, इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर। तो भाई सीधी बात आंसर यही है कि भाई मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, और इन छोटी छोटी कहानियों को मैं थोड़ा दिलचस्प बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, वैसे भी काफ़ी दिनों से बढ़ नहीं रहे, मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मैं तो तब भी ट्राई करता रहूँगा, यहाँ खूब बाल आ रहे हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले स्टोरी टेलिंग कहानी पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।